रायपुर का जिक्र, अयोध्या रवाना हो चुकी है। यहाँ से आस्था स्पेशल ट्रेन, सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन में जितने भी यात्री सवार थे वो भी भरपूर उत्साह के साथ रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्री रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का ये जत्था रवाना इस आस्था स्पेशल ट्रेन से, जिसे हरी झंडी दिखाने पहुंचे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मार्च में बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता जितने भी होंगे कैबिनेट सहित पहुंचेंगे दर्शन के लिए, इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री कर रहे थे। और अब बात मातृ पितृ पूजन दिवस के करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर मनाया गया है। बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार की अनूठी पहल। आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी है, वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मौके पर मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ है। प्रदेश के स्कूलों में पेरेंट्स की पूजा हो रही है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूजन दिवस को मनाने का संदेश दिया था और उन्हीं के निर्देश के बाद प्रदेश भर के स्कूलों में माता पिता की पूजा करते हुए बच्चे नजर आए। और सूरजपुर जिले के स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया और इस दौरान स्कूलों में छात्र माता पिता की पूजा कर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। इस उत्सव को लेकर छात्रों के अभिभावकों में भी खुशी देखने को मिली है। सूरजपुर के सभी स्कूलों में आज अहम दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि आज मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक बेहद अहम पहल है कि जहां आज के दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देख सकते हैं बच्चे जो हैं अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के बाद, जो साय सरकार, उन्होंने आज के दिन को खास अहम बनाया है मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में, क्योंकि आज का दिन बसंत पंचमी भी है। और जो एक पाश्चात्य सभ्यता का जो वैलेंटाइन डे जो पहले बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, उससे हटकर भारतीय संस्कृति को, संस्कार को बढ़ावा देने के लिए एक जो पहल की गई है, क्योंकि वेदों में भारतीय संस्कार में जो माता पिता के भगवान के रूप में एक अहमियत होती है, उसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। बच्चे देख सकते हैं, खासकर ये ग्रामीण स्कूलों की ये तस्वीर है, जहाँ देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ पर अपने माता पिता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। तो ये खास दिन जो है पाश्चात्य सभ्यता से हटकर भारतीय संस्कार को बढ़ावा देने का ये एक पहल किया गया है साय सरकार की तरफ से, और ये जो है ये अब हर साल आपको नजर आने वाला है। हमारे साथ यहाँ स्कूल के शिक्षक भी मौजूद हैं। किस तरह के निर्देश हैं आपको और आज का दिन किस तरह से खास है? आज शासन के निर्देशानुसार शासकीय प्राथमिक शाला बरपारा में मातृ पितृ दिवस का बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजन किया गया। इस आयोजन से ये ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है दृश्य देख के, उनके अपने अपने सभी अपने माता पिता का सभी बच्चे पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो चूंकि आज हमारे देश में एक अलग धारणा बनी हुई थी कि वैलेंटाइन डे है और इस अवसर पर पाश्चात्य जो पश्चिमी सभ्यता है उसका ज़्यादा देख रहे, लेकिन आज हमारी भारतीय संस्कृति का यहाँ पर एक रूप देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद शासन करना चाहता हूँ, ऐसे नियमों से हमारे बच्चों में एक अच्छे संस्कार आएंगे और एक भारत देश एक और आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे बहुत ही सुंदर अपने माता पिता का पूजा कर रहे हैं। हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे जो हमको मौका नहीं मिला अपने माता पिता को पूजा करने का, लेकिन आज देखिए हमारा सौभाग्य, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज हमारे पूजा कर रहे हैं बसंत पंचमी के दिन, इसे मना रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी भावुक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो भारतीय संस्कार में वेदों में माता पिता के बारे में जो भगवान तुल्य उनको माना जाता है, और ऐसे में ये संस्कार जो है साय सरकार ने एक जो पहल की है मातृ पितृ पूजन दिवस, ये बेहद ही खास दिन सूरजपुर जिले के खासकर ग्रामीण अंचलों में भी ये बेहद खास बनता नजर आ रहा है। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर। और अब बात करेंगे बस्तर के, जहां निजी स्कूल संचालक मनमानी बदलता रहे हैं। प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार आज स्कूलों में मातृ पितृ दिवस मनाया जाना था, पर जिले के 10 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां मातृ पितृ दिवस का उत्सव नहीं मनाया। इसके उल्टे
स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। जानकारी मिलने पर शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को कारण बताओ नोटिस थमा कर 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। उन्होंने आज बिना बताए हुए शाला बंद रखी है, तो इस संबंध में उन पे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि जब कोई शासकीय अवकाश अगर डिक्लेयर ही नहीं है तो उनको आज अवकाश नहीं देना था। प्रेम क्या है? अगर किसी से सवाल पूछा जाए तो लोग अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका जवाब एक जैसा हो। सबका प्रेम भी एक जैसा नहीं होता है। कोई इंसानों से प्रेम करता है, कोई पशु पक्षियों से, और प्रेम जब होता है तब फिर हम दुनिया से अलग दिखने लगते हैं। आज एक ऐसा ही शख्स आपसे मिलवाएंगे जिसे ऐसा प्रेम हुआ कि लोग इसकी प्रेम की मिसाल देने लगे। उसकी प्रेम कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। करोड़ों की भीड़ में आज हम आपको एक कबूतर प्रेमी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कबूतरों की एक अलग दुनिया बसा रखी है। ये है कोरबा के बबलू, जिन्हें कबूतर से अथाह प्रेम है। इतना ही नहीं, इनके पास कबूतरों का नायाब कलेक्शन भी है। देखिए, इन कबूतरों को देखकर कई फिल्म्स के गाने याद आने लगे होंगे आपको। फिल्म मैंने प्यार किया का वो गाना तो याद होगा, कबूतर जा 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 कबूतर जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, मतलब कबूतर पोस्टमैन का भी काम किया करते थे। और दिल्ली 6 की मसककली कबूतर पर बना ये गाना इतना हिट हुआ कि फिर से कबूतर ट्रेंड में आ गया। हालांकि अब ये दौर थोड़ा सा थम गया है, कबूतर प्रेमी कम नजर आते हैं, लेकिन कोरबा के रहने वाले बबलू आज भी इस भीड़ से अलग हैं, और उसकी वजह है ये कबूतर। बबलू बताते हैं कि उनके पास कई विदेशी नस्ल के कबूतर हैं, जर्मन ब्रीड के ब्यूटी वूमर से लेकर फेंटल और मसककली कबूतर के नायाब कलेक्शन हैं। बचपन से ही परिंदों में खास रुचि रखने वाले बबलू ने पहले देसी कबूतरों को पालना शुरू किया। शौक धीरे धीरे परवान चढ़ा और बबलू का शौक जुनून में बदल गया। देसी कबूतरों के साथ साथ बबलू ने विदेशी ब्रीड के कबूतरों को पालना भी शुरू कर दिया। आज बबलू के पास 5 से ज्यादा विदेशी नस्ल के कबूतरों की फौज मौजूद है। मुझे पालते हुए कबूतर यहाँ, मैंने पहले देसी से स्टार्ट किया था, देसी से स्टार्ट किया, फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा कि बहुत सारे फैंसी फैंसी कबूतर आते हैं, तो फिर मैंने शौक किया कि जब देसी भी उतने ही फिट खाना खाना थे तो ये भी उतने ही खाना खाते थे, फिर लोगों के मिंड में ज़्यादा फैंसी की ज़्यादा डिमांड होती है, उसलिए फिर फैंसी पर ज़्यादा फोकस किया। और फिर इंडिया में वो देसी ब्रीड रखना वो भी है क्या बोलते हैं इलीगल है, उसलिए पहले देसी ब्रीड को नहीं रखा, फिर फॉरेन ब्रीड पूरा स्टार्ट रखा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये कबूतर, पंख ऐसे फैलाए हुए हैं मानो कबूतर नहीं मोर हों। इसकी सुंदरता पर्यावरण को कुछ अलग ही दिखाता है। बबलू का ये कबूतर प्रेम बेहद अद्भुत है। बबलू बताते हैं कि कबूतरों को पालने में इन्हें महीने में 15,000 रुपए तक का खर्च आता है। इन्हें एक से बढ़कर एक खाना दिया जाता है। क्या क्या देते हैं डाइट? मैं देता हूँ ज्वार, बाजरा, गेहूँ, सरसों, चना, अखरी, और फिर जो चिड़िया के दाने आते हैं कंगनी दाना बोलते हैं वो है, मुर्गियों के जो फ्रीसर आते हैं वो देते हैं। मोटी मोटा मेरे को 1.5 महीने के दाने के 14 से 15 हज़ार रुपये खर्चा। बबलू के पास बुखारा ब्रीड का भी एक कबूतर है जिसके सिर पर चोटी जैसे बाल होते हैं। आँखों के ऊपर जब इनके बाल आ जाते हैं तो उनकी ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। बबलू की कबूतरों के प्रति दीवानगी बड़ी गजब है। और कहा भी जाता है कि अगर प्रकृति से आपको प्यार करना है तो सबसे पहले प्रकृति में रहने वाले जीवों से प्रेम करना सीखना होगा। परिंदे इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं, और एक ऐसा दोस्त जो पर्यावरण के लिए भी बेहद जरूरी है। कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट, न्यूज 18।